हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है असम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी नीट के सिलेबस का क्विक रिवीजन करते हैं, पूरे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का जो चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्ट्रेटजी क्या है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोशन बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, एमटीपी के बारे में पढ़ेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एसटीजी जिसे कहा जाता है, और इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ा जाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्दी हेल्थ की बात हो रही है तो WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ का मीन्स होता है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फिजिकल इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। कहा जाता है कि देयर फॉर ए सोसाइटी विद ए पीपल हैविंग ए फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दी एक सोसाइटी जिसमें जहाँ जहाँ जिसमें जो लोग रह रहे हैं वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑर्गन भी उनके नॉर्मल हैं फिजिकली और फंक्शनली रूप से नॉर्मल, उनका इमोशनल और बिहेवियरल इंट्रैक्शन है एक सोसाइटी में, तो इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी। आगे बढ़ेंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम और स्ट्रेटजी के बारे में बताएगा। सबसे पहले है फैमिली प्लानिंग की, जो बात की थी 1959 में इनिशिएट किया था। इंडिया वाज अमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट ए नेशनल लेवल टू अटेन अ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। आगे चलते हैं, इसमें बताता है सारे जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एरिया आते हैं करंटली इनको ऑपरेट किया जाता है अंडर द पॉपुलर नेम ऑफ RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एक प्रोग्राम है जिसके अंदर ये सारे रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें इस प्रोग्राम में ही हैंडल की जाती हैं। आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसी होती हैं वीडियो ऑजल ऑडियो फॉर्मेट में अवेयर करती हैं लोगों को और बताती हैं इस बीमारी या इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। हमारे बहुत से क्लोज रिलेटिव हो गए, टीचर हो गए, फ्रेंड हो गए, वो भी बहुत सारे मेजर रोल करते हैं इनके इंफॉर्मेशन को बताने में हमारे सोसाइटी में या हम लोगों के आसपास भी। आगे चलते हैं तो बताता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंज इन सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस STD एड्स वुड पीपल हैव स्पेशली दो जो एडल्ट एज के ग्रुप होते हैं इन लोगों को उनकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं बहुत जल्दी फैलते हैं। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगला पॉइंट इसमें देता है जो एमिनोसिंथेसिस के बारे में बताया है, ए फोटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट है जो बेस्ड होता है क्रोमोसोमल पैटर्न पे इन द एमनियोटिक फ्लूड जो एम्ब्रियो को सराउंड करता है उसे चेक किया जाता है। फॉर सेक्स डिटरमिनेशन टू लीगली चेकिंग इंक्रीजिंग फीमेल फर्टिसाइड, लीगली से चेक किया जाता है कि फर्टिसाइड जो है इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन क्या हो रहा है उसका, कुछ प्रोग्राम दस मेरिज मेंशन इन कनेक्शन। आगे आते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है, वेरियस रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर इंकरेज एंड सपोर्टेड बाई गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी टू फाइंड आउट न्यू मेथड, नए मेथड। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट की जो एजेंसियाँ हैं रिसर्च कर रही हैं इस पर कि नए तरीके ढूंढे जाएँ और उनको इम्प्रूव भी किया जाए जो पहले से तरीके हैं। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CDRI के नाम से लखनऊ में इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसे सहेली के नाम से, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल।
आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड पोस्ट नेटल केयर, लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज द नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, ओवरऑल इंक्रीज एमटीपीज, मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑल इंडिकेट इम्प्रूव प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव, इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एक ऐसा है इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे मेन मुद्दा हम लोगों का यही है, पॉपुलेशन ग्रोथ का। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं देशों में और आगे भी आएंगी अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता। तो बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी 2 बिलियन या 2000 मिलियन थी 1900 में, और ये 100 सालों में, अगले 100 सालों में जब 2000 में हम लोग आए तो 6 बिलियन हो गई थी। और यही ट्रेंड इंडिया में भी ऑब्जर्व किया, जब हमारी पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम थी 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, और ये रीच क्लोज टू द बिलियंस मार्क बाय 2000, और 2000 में बिलियन के पास पहुंच गई, और मई 2000 में 1 बिलियन को हमारी पॉपुलेशन क्रॉस कर गई। इसका मतलब बहुत ये होता है कि दुनिया में हर छठवां आदमी जो है दुनिया का वो एक इंडियन है। कहा जाता है इसका कारण क्या था, एक रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डेथ रेट में कमी आई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई, एज वेल एज इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, रिप्रोड्यूसिबल एज में बहुत ज़्यादा लोग की संख्या बढ़ती गई एज अ प्रॉबल रीजन फॉर दिस। इसका एक प्रॉबेबल रीजन ये भी है, कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के हिसाब से वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वॉज ओनली मार्जिनल, और ये बहुत ही मामूली होगा। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज स्टिल अराउंड 1.7%, ए रेट एट विच आर पॉपुलेशन कुड बी डबल इन 33 ईयर, मतलब 33 साल में हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। और अगर पॉपुलेशन बढ़ती है उससे तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बन जाएगी, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, सिग्निफिकेंट इस एरिया में। तो गवर्नमेंट का जो मेन काम ये भी होता है कि इस पर चेक करती रहे पॉपुलेशन ग्रोथ पे। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे पोस्टर, बिल्स, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट, न्यूज़ वगैरह के थ्रू भी लोगों को अवेयर कराई है, और बहुत सारी स्कीम भी इसमें चली, हम दो हमारे दो जैसे हो गया, स्टेचुरी रेजिंग द मैरिज एज फॉर फीमेल के लिए 80 ईयर कर दी गई है शादी की एज, और जो मेल होता है उसके 18 ईयर, और जो मेल होता है उसके लिए 21 ईयर। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, नो आर लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, एंड इट शुड इन नो वे इंटरफेयर द सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज या मेथड अवेलेबल हैं, जैसे इसमें हो गया नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर्स, इंट्रायूटराइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड भी आते हैं, तो इसके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेचुरल मेथड बता रहा है, वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग, इसमें स्पर्म और ओवम को मीट करने से, मिलने से रोका जाता है। नेचुरल मेथड क्या है, इसमें पहला जो आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कपल अवॉइड करते हैं एब्स्टेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम द डेट 10 to 70 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन तक जो एक हफ्ते का गैप होता है ओवुलेशन का, जिसे फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं, उसमें अवॉइड करते हैं मीटिंग मेल और फीमेल की क्वार्टर्स की। नेक्स्ट बनते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें
विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। ये एक और मेथड है जिसमें मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है लैक्टेशनल एमनेरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। कहा जाता है कि दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पर्चुरेशन। जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद लैक्टेशन पीरियड होता है, उस समय ओवुलेशन माना जाता है कि नहीं होता है। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड फुल्ली, जैसे जब बच्चा मदर की फीडिंग करता रहेगा, चांस ऑफ कंसेप्शन जो होता है बहुत कम होता है, निल होता है, और ये होता है पर्चुरेशन के मैक्सिमम 6 मंथ तक। एज नो मेडिसिन और डिवाइस, इसमें किसी मेडिसिन और डिवाइस की यूज़ नहीं होती है। साइड इफ़ेक्ट जो होता है ऑलमोस्ट निल, ना के बराबर होता है। चांसेस ऑफ फेल्योर इस मेथड में ज़्यादा होता है, इसमें फेल्योर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड बैरियर मेथड, जो हमारा दूसरा मेथड है। इसमें स्पर्म और ओबम को फिजिकली मीटिंग से रोका जाता है। बाय द सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉन्डोम्स। बैरियर जो होता है यूज़ किया जाता है थिन रबर लैटेक्स सीथ का बना था, कवर करता है मेल में पेनिस को और फीमेल में वजाइना या सर्विस को। जैसे ये फिगर दिया है, कॉन्डोम फॉर फीमेल एंड कॉन्डोम फॉर मेल। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है कि बोथ मेल्स एंड फीमेल कॉन्डोम जो होता है डिस्पोजेबल होता है। मेनली एक ब्रांड आता है निरोध, पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर द मेल। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, यूज ऑफ कंडोम हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कंट्रैक्टिंग STD एंड एड्स। कुछ सालों में कंडोम का यूज़ बढ़ा है क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और एड्स जैसी बीमारियों से बचने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कह रहा है कि ये डिस्पोजेबल होते हैं, दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूज़र। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्व्स आर आल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। दे प्रिवेंट द कंसेप्शन ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं सर्विक्स में आने से। ये दे आर रीयूजेबल और ये रीयूजेबल होते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, स्पर्मिसाइड क्रीम जेली एंड फोम्स आर यूजली यूज अलॉन्ग विद दीज वेरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इसके साथ स्पर्मिसाइडल जेली क्रीम और फोम का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है IUD। IUD के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इनके इंसर्शन के लिए डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स की ज़रूरत होती है और ये यूटेरस के थ्रू वजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं। पहला जो IUD है नॉन मेडिकेटेड, जिसका एग्जांपल है लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग IUD में आता है कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोट 375। हार्मोन रिलीजिंग IUD में आता है प्रोजेस्टाजोट LNG 20। IUD का जो काम होता है इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। यूटेरस के अंदर स्पर्म को खाने लगता है या इसकी फैगोसिटी बढ़ जाती है फैगोसाइटोसिस। कॉपर आयन जो होता है आयन रिलीज जब होता है तो ये सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोर्टैलिटी को एंड ऑफ फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, उसकी मोर्टैलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है कॉपर आयन। जो हार्मोन रिलीजिंग IUD होते हैं वो क्या करते हैं, दे मेक द यूटरस अनसीटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यूटरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसीटेबल बना देते हैं एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। कह रहा है IUD आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। जो फीमेल प्रेगनेंसी में डिले चाहती हैं या स्पेस चिल्ड्रन चाहती हैं उनके लिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है IUD। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, और इंडिया में मोस्ट वाइडली
एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है। नेक्स्ट जो आता है हमारा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, स्मॉल डोज दिया जाता है प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टोजेंस या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है पिल्स के फॉर्म में, ये फीमेल के लिए होता है ठीक। ये डेली दिया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डे, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है उसके स्टार्ट फर्स्ट 5 डे से दिया जाता है, और आफ्टर गैप 7 डे का गैप करके सेम पैटर्न में रिपीट किया जाता है टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, जब तक फीमेल कंसेप्शन से बचना चाहती है बचाना चाहती हो। इनका काम क्या होता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या पिल्स जो होते हैं इनवीट करते हैं ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द सर्वाइकल म्यूकस क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, इसकी स्पर्म की एंट्री को रोक दे, इसलिए भी यूज किया जाता है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं पिल्स, इनका साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाता है और फीमेल ये काफ़ी पॉपुलर है या एक्सेप्टेड है। कहा जा रहा है एक पिल्स आता है सहेली नाम से, द ओरल न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, इसमें होता है इट इज़ ए वंस ए वीक पिल्स विद ए वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होता है इसमें, सहेली जो है। कह रहे हैं इम्प्लांट के बारे में बात करेंगे, प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टोजेंस एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाई फीमेल एज ए इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन, यूज किया जाता है पिल्स के फॉर्म में जैसे यूज करते हैं वही कॉम्बिनेशन इसमें भी रहता है, या तो इंजेक्शन के थ्रू ले लेते हैं या तो इम्प्लांट्स कर लिया जाता है स्किन में भी। देयर मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू द पिल्स, इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है पिल्स के सिमिलर ही होता है, बट इसका एक इफेक्टिव पीरियड जो होता है लॉन्गर देन पिल्स होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टोजेन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या आईडी विद इन 72 आवर ऑफ क्वेटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज ए इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के फॉर्म में, 72 घंटों के अंदर अगर लेते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और अ कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अवॉइड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड जो आता है सर्जिकल मेथड आता है, स्टेरलाइजेशन भी इसे कहते हैं। इसमें अगर अगला आगे कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तब डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं आप स्टेरलाइजेशन या सर्जिकल करवा लीजिए। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक कर दिया जाता है गैमेट का ट्रांसपोर्ट और इस तरह से कंसेप्शन को प्रिवेंट करता है ये। चलिए इसमें पढ़ते हैं, मेल में जो होता है उसे वैसेक्टोमी कहते हैं, जैसे इधर देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वॉस डिफरेंस जो होता है उसे कट करके और टाइट कर दिया जाता है बांध दिया जाता है, और जो फीमेल होती है उसमें फैलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करके बांध दिया जाता है कि ओवम ही यूटेरस तक ना पहुँचे, उसका इम्प्लांटेशन ही ना पाए आगे, तो इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। फीमेल के केस में ट्यूबेक्टोमी, मेल के केस में वैसेक्टोमी। आगे ये बताएगा वैसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड, या तो निकाल ही दिया जाता है या तो टाइड अप थ्रू स्मॉल इंसीजन ऑन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में स्मॉल इंसीजन कटिंग करके उसको बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या आता है, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब रिमूव्ड और टाइड अप, या तो निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है थ्रू स्मॉल सीजन इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में या तो वेजाइना के थ्रू। दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होते हैं बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होती है। आगे बताता है कि अगर ऐसा करते हैं हम उसकी क्या इल इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे नौसिया, एबडामिनल पेन, वेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंटस, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ए ब्रेस्ट कैंसर, तो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, और इसे पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा MTB, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे इंड्यूस एबॉर्शन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नियरली 45 to 50 मिलियन
एमटीपी आर परफॉर्म इन एक साल में, इतनी एनटीपी होती ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट ये कवर करता है एक साल में बता जाए। एमटीपी हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन थ्रू, ये पॉपुलेशन को कम करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बट इट इज़ नॉट मीन फॉर दैट पर्पज, लेकिन ये इस पर्पज़ के लिए नहीं है। एमटीपी को लीगलाइज किया गया तो वह करने की बात आई तो बहुत सारी इशू आने लगे, जैसे इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू इन्वॉल्व हुए इसमें। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगलाइज किया एमटीपी को इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट मिसयूज, स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ किसका मिसयूज ना हो सके। सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फर्टिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। वाई एमटीपी, एमटीपी ही क्यों कहा जा रहा है, इसका आंसर दे सकते हैं हम। अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू कॉजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स से और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अगर फेल हो जाता है उस वजह से भी, यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप, इसलिए एमटीपी जरूरी हो गया। एमटीपी आर आल्सो एसेंशियल इन अ सर्टेन केस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल, अगर प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन करने हैं तो हार्मफुल हो जाता है और इवन फेटल या जानलेवा भी हो सकता है मदर या बच्चे के लिए या दोनों के लिए, तब भी एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है। कहा जाता है एमटीपी जो होता है सेफ होता है अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, 3 महीने तक सेफ होती है। मिसयूज़ भी किया जाता है इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, मिसयूज़ भी कर लेते हैं अगर लोगों को पता चलता है, अगर फर्टस बेबी गर्ल है तो उसे उसके अंदर ही मार देते हैं अगर, तो इस तरह से इसका मिसयूज़ भी किया जाता है, तो ये गलत चीज़ है। नेक्स्ट बात पॉइंट आता है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, जो सेक्सुअल ऐसे डिजीज़, जो डिजीज़ या इन्फेक्शन जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से, जिसे इन्हें कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI या वेनेरियल डिजीज़। इसका एग्जांपल इसमें आता है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वार्ट, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और मोस्ट कॉमनली HIV है। कहा जाता है हम कुछ इन्फेक्शन डिजीज़ लाइक HIV और हेपेटाइटिस बी से ट्रांसमिट जो होती हैं शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फेटस टू, एक्सेप्शन फॉर हेपेटाइटिस बी कह रहा है, हेपेटाइटिस बी को छोड़ के जो जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शन होते हैं, अदर डिजीज और बाकी जो डिजीज हैं आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, अगर अच्छे से उनका डिटेक्शन हो जाए और प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो तो वो सही हो सकती हैं। कह रहे मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड जो अर्ली सिम्टम इनके आते हैं, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग जेनाइटल लीजन में हो जाता है, और जो इन्फेक्टेड मेल या फीमेल जो भी होते हैं हिचकिचाते हैं इसको बटाने में, ऑफन में भी एसिम्प्टोट, और ये आगे कॉम्प्लिकेशन कॉज कर देती है। तो कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाता है तो उसके साइन क्या होते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ PID जिसे कहते हैं, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। STD आर अ मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, therefore prevention or early detection and cure of the disease are prime consideration under the reproductive health and care program, though all the person are vulnerable to these infections, their incidence are reported to be very high among the person in the age group 15 से 24 साल के
एज ग्रुप के लोगों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमें कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए सिंपल से, अवॉइड करने के लिए अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वार्टर्स, इन केस ऑफ डाउट गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस विद डिजीज। अगर हमें हो भी जाता है तो एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। अब रीज़न उसका कोई हो, या तो मेल में कोई कमी हो या फीमेल में कोई कमी हो, बट इंडिया में ब्लेम जो किया जाता है फीमेल को ही किया जाता है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हो, कंजेनाइटल हो, डिजीज हो, कोई बीमारी हो, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल हो। कहा जाता है ये सारी जो चीज़ें हैं इस टेक्निक को कॉमनली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर देखते हैं, ART। पहला पॉइंट जिसमें आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। बॉडी के बाहर सिमिलर कंडीशन दिया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, फॉलो बाई एम्ब्रियो ट्रांसफर इन दिस मेटर पॉपुलरली नोन एज टेस्टिव बेबी प्रोग्राम। इसमें क्या आता है, ओवा ओवम जो होता है या तो वाइफ या डोनर से लें फीमेल, और स्पर्म अगर हेल्दी है तो हस्बैंड से, अगर हेल्दी नहीं है तो किसी डोनर मेल से कलेक्ट किया जाता है और इंड्यूस किया जाता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सिमिलर कंडीशन में लेबोरेटरी में आउटसाइड द बॉडी। जब जाइगोट बन जाता है जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, इसे कहते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या तो एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर या 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा का जो एम्ब्रियो होता है उसका ट्रांसफर किया जाता है यूटेरस में, इसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट, आगे डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया जाता है। अब कहा जाता है कि एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, अगर इनसाइड द बॉडी हो रहा है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद इन द फीमेल, फीमेल में ही हो रहा, आल्सो कुड बी यूज्ड, आल्सो इसका यूज किया जाता है फॉर सच ट्रांसफर, ऐसे ट्रांसफर के लिए टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, ऐसी औरतों के लिए जो कंसीव नहीं कर सकती या नहीं प्रोड्यूस कर सकती। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है ओबम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब। ओबम का कलेक्शन कर लेते हैं एक डोनर फीमेल से और उसको फेलोपियन ट्यूब में, जिसे कहा जाता है गिफ्ट, गैमेट इंटर फेलोपियन ट्रांसफर, उस फीमेल के लिए जो प्रोड्यूस तो नहीं कर सकती है बट आगे उसके डेवलपमेंट के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में बनाया जाता है एंड इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द ओवम और स्पर्म को उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। कहा जा रहा है इनफर्टिलिटी केस हो या आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा हो मेल पार्टनर फीमेल को, या तो वेरी लो स्पर्म काउंट है इजेकुलेट में, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से दूर किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इन दिस टेक्निक सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, सीमेन का कलेक्शन किया जाता है हस्बैंड से या डोनर से, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना में और इनटू द यूटेरस, इसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। ये सारी चीज़ें ठीक हैं बट जो कहा जाता है कि ये टेक्निक होती है रिक्वायर करती है वेरी एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही महंगी इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। अब तो ये
सारी पहले तो विदेशों में ये टेक्निक पाई जाती है, लेकिन बट अभी इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हो गई है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म।